नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में अनाधिकृत व्यक्तियों में प्रवेश रोकने के क्रम में गुरुवार को सिधारी थाने की पुलिस ने आरटीओ कार्यालय पर औचक छापेमारी की। इस दौरान कार्यालय परिसर में अनाधिकृत रूप में खड़े लोगों को पुलिस ने डांट लगाई और चेतावनी भी दिया, अगर दोबारा कार्यालय परिसर में मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया। इसी के साथ कार्यालय परिसर में अनाधिकृत रूप से रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद गुरुवार को सिधारी थाने की पुलिस ने परिवहन विभाग के कार्यालय पर छापेमारी की और अनाधिकृत रूप से मौजूद लोगों को चेतावनी भी दी। संभागीय परिवहन अधिकारी रामवीर सोरकर ने बताया कि एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड सेफ्टी को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और सख्त हिदायत दी है कि सड़क पर हादसे को पूरी क्षमता के साथ कम किया जाए। इसको लेकर यातायात विभाग, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग सभी को आपस में समन्वय बनाकर काम करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले आम लोगों को तमाम तरीके से पहले जागरूक किया जाए, अगर इसके बाद भी असर नहीं हो रहा तो चालान की कार्रवाई के साथ ही और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। वहीं आरटीओ ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि कार्यालय में कोई अनाधिकृत व्यक्ति कार्य न करे, इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए और इसके लिए कार्रवाई आज से ही शुरू हो गई है। यह देखा जा रहा है कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति कार्यालय में न बैठे। उन्होंने कहा कि दलालों के चक्कर में आम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। संभागीय परिवहन विभाग में सभी कार्य ऑनलाइन होते हैं और ऑनलाइन ही आवेदन लोगों को ही करना चाहिए, इसके लिए विभाग की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। देखिए, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड सेफ्टी से रिलेटेड मैटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सख्त संदेश दिया है कि हमारी सड़कें और जितनी सुरक्षित की जा सकती है की जाए। उसके लिए उन्होंने कहा, प्रदेश के सारे विभागों को लगा दिया है, शिक्षा विभाग, परिवहन, पुलिस, यातायात, कि सब लोग अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, जिसके क्रम में हमारा यह उनको जागरूक करना, जनता को जागरूक करना, और पहले तो उनको समझाना बुझाना, फिर चालान के माध्यम से। और एक चीज़ बात उन्होंने ये भी कही है कि कार्यालयों में अनाधिकृत लोग ना रखे जाएं, और इसके तहत भी हमारे यहाँ से कार्रवाई शुरू हो गई और प्रयास करेंगे हम लोग कि कहीं कोई अनाधिकृत व्यक्ति काम ना करें। सर, जिस तरह से यहाँ दलालों का वर्चस्व है, काम करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, सर किस तरह से आप? देखिए, आपके माध्यम से मैं जनता से ये कहूँगा, सारी सुविधाएँ ऑनलाइन हैं, आप किसी दलाल के चक्कर में मत पड़िए, किसी के पास मत जाइए, सब ऑनलाइन है, सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास आइए, हमारे स्टाफ के पास आइए, कार्यालय में हमारे अधिकारी हैं, वो आपको बता देंगे। सब चीज़ ऑनलाइन गवर्नमेंट ने कर दिया है, किसी के चंगुल में फंस के पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। आज क्या हुआ, चेकिंग चला सर? अभी चला है, हाँ सुना है, मतलब आप ही लोग के माध्यम से पता चला है कि एसओ साहब आए हैं, तो जो भी अनाधिकृत होंगे वो जेल जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई ऐसा व्यक्ति कार्यालय में नहीं होगा जो अधिकृत ना हो। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।